अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनमोल टेलर। आज मैं आपको आस्तीन काटने का तरीका बताऊंगा, जो आसानी के साथ बताऊंगा। और जो मेरा तरीका होता है आस्तीन काटने का, थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फ्रेंड, पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो थोड़ा आज थोड़ा और तरीके से मैं समझाऊँगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड, तो ये मैंने दो सूट एक साथ काटे हुए थे, दो आस्तीन एक साथ ही काटूँगा मैं दोनों सूटों की। तो वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इससे आयरन लगाई हुई है और इसकी मैंने आस्तीन काटनी है 10 इंच पे, तो 9:30 पे तैयार आ जाएगी। तो ये मैंने 10 इंच पे यहाँ पे दिया हुआ है, चेक कर लो फ्रेंड। तो ये 10:30 आ रहा है, तो ये कटिंग में मैं ओके कर लूँगा इसको, और 10 पे मैं इसको काटूँगा फ्रेंड। तो यहाँ से मैं जो अभी इसको डाउन करने वाला हूँ मेन पॉइंट पे, 3:30 पे डाउन करूँगा, इस तरीके से निशान लगा लूँगा फ्रेंड। और यहाँ से मैं स्ट्रेट कर लूँगा इस तरीके से, जो कि आपको समझ में आ जाएगी। इस तरीके से स्ट्रेट कर लूँगा और इसको काट दूँगा। तो आपने ये तरीका चेक करना है फ्रेंड, लास्टिंग से गुलाई देनी है, इस तरीके से गुलाई दूँगा फ्रेंड, चेक कर लें। यहाँ से कट लगा लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, अभी इसको जो मैं यहाँ से अंदर करने वाला हूँ, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के इस तरीके से शेप देने वाला हूँ, 1.25 इंच का, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं फ्रेंड। तो आपको ये काट के चेक करवाता हूँ अभी। फ्रेंड, ये शेप मैंने काटा हुआ है, आपको चेक करवा लेते हैं, चेक कर लो। तो फ्रेंड, यहाँ से आप हल्का सा ले सकते हैं, हल्का सा बिल्कुल बैक साइड के लिए, तो यहाँ से आप इसको ऐसे काट सकते हैं। ये मैं एंड में आपको ये शेप चेक करवाऊँगा, एंड में जब आस्तीन हमारी कट जाएगी तो ये शेप चेक करवाऊँगा मैं, किस तरीके से आती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये हमारा आमूल की जो गुलाई हो चुकी है आस्तीन की, तो इसकी लेंथ जो है फ्रेंड 18.5 की है। मैं 18.5 पे इसको काटूंगा सिलाई के मार्जिन छोड़ते हुए। जो इसका कफ आने वाला है फ्रेंड, वो आने वाला है हमारा तकरीबन 9.5 का आने वाला है, तो मैं 6 से इसको 2 सूत्र कम पे निशान लगाऊंगा, यहाँ पे 6 से 2 सूत्र कम फ्रेंड, और ये 10 पे लगाऊंगा निशान इस तरीके से। यहाँ से फ्रेंड इसको हमने रखना है 13 इंच पे तैयार रखना है फ्रेंड, तो ये मैं 7.5 पे निशान लगाऊँगा कुछ इस तरीके से, और इसको मैं हिप कर्व की मदद से हल्की सी शेप दे दूंगा फ्रेंड इस तरीके से। यहाँ से शेप दूंगा फ्रेंड, और यहाँ से ऐसे दूंगा इस तरीके से। फ्रेंड, हमारी शेप कुछ इस तरीके के आई है, हम चेक कर लेते हैं एक बार और। 10 पे आ रही है और यहाँ पे ओके आ रही है, सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है मैंने। तो फ्रेंड, अभी हम इसको वही तरीका है, इसको खोल लेंगे और इसको 1/2 इंच हम इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे, 1/2 इंच यहाँ से, 1/2 इंच यहाँ से, ये चेक कर लो। आधा भी चढ़ा सकते हैं, 1/2 इंच भी चढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं फ्रेंड। ये इस तरीके से कर लेंगे हम, और इसको भी इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, अभी ये जो आ रहा है बीच में, ये से आस्तीन हमारी घूमेंगी नहीं और चुनट भी नहीं आएंगे फ्रेंड। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अभी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। ऊपर से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है, 18.5 की आस्तीन है, तो ये मैं नीचे वाला निशान 19 पे लगाने वाला हूँ फ्रेंड, और इसको मैं स्ट्रेट काटूंगा और आपको तरीका चेक करवाता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट काटूंगा, कोई भी इसमें वो नहीं करने वाला मैं आपके सामने है फ्रेंड। स्ट्रेट काट लिया फ्रेंड, यहाँ से ये चेक कर लो, यहाँ की लुक भी चेक कर लो फ्रेंड, जो मैंने गुलाई दी हुई है बिल्कुल ओके आ रही है। तो इस तरीके से आस्तीन की जो शेप आती है अच्छी आ जाती है फ्रेंड। तो अभी ये मैं
इसको इसकी जो लेंथ कम है फ्रेंड, तो मैं इसको सिर्फ 5 पे काटने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं काटूँगा, लेंथ कम है तो 5 पे काटूँगा, इस तरीके से काट लूँगा। अब आपको चेक करवाते हैं फ्रेंड कि हमारी इसकी लुक कैसे आई है, वो भी आपको चेक करवाते हैं। तो फ्रेंड इसकी लुक चेक कर लें फ्रेंड, यहाँ से मैंने स्ट्रेट काटा हुआ था, तो इसकी जो लुक है ऐसे आ रही है फ्रेंड। जब ये इसका हम कफ लगाएंगे तो इसका कफ सीधा खड़ा हो जाएगा फ्रेंड। तो ये तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताना फ्रेंड। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना फ्रेंड वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ इजाज़त देना, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।